हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट है www.governmentcrackers.com और वहाँ पे आपको कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो है वो अंडर 1000 रुपीज़ मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव ऑफर। चाहे आप रिटन एग्जामिनेशन लें चाहे SSB कोर्सेज लें, पूरा का पूरा SSB मटेरियल इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, बुक पैकेजेस एंड फ्री एड्स ऑन, ये सब आपको 1000 रुपीज़ के नीचे मिलेगा। तो आप जाके 2021 में जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं या SSBs अगर आपकी हैं तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्रैकर्स इज गोइंग टू हेल्प ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प द एस्पिरेंट्स टू प्रोवाइड योर एम एंड गोल, ठीक है। और उसके लिए जो भी आपको प्रिपरेशन में मटेरियल चाहिए होगी वी विल ऑल्सो अफोर्ड द कॉस्ट, और हम आपको कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है रेट्स पे आपको पूरा का पूरा रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें। सो दिस इज द इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट क्रैकर्स हैज टेकन फॉर द ईयर 2021 ड्यूरिंग कोरोना पैंडमिक। नाउ जैसे मैंने बोला एड्स ऑन मिलेंगे, तो जितने भी कोर्सेज आप लेंगे उन सब के साथ कुछ फ्री एड्स ऑन आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको फ्री न्यूज़पेपर मिलेगा जो किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्री मंथली मैगजीन आपको मिलेगी। इसके अलावा 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के लिए द हिंदू से सिलेक्टेड आपको मिलते रहेंगे विद देयर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करंट अफेयर्स डेली मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सारा का सारा ई मटीरियल है जो आपको डेली मिलता रहेगा रेगुलरली फॉर 6 मंथ्स, यानी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते आपको बिल्कुल भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू वेस्ट टाइम, बस आपको फोकस करने की जरूरत है अपनी पढ़ाई की ओर। अब बात करते हैं बुक पैकेज की। तो ये बुक पैकेज जो है SSB के लिए आपको मिलने वाला है। साथ ही अगर मैं रिटन एग्जामिनेशंस के लिए बात करूं तो वहां पर 100 या 150 एंड 200 प्लस कंपाइल्ड PDFs आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स और सिलेक्टेड कंटेंट रहेगा। तो वो भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे मैंने बता दिया, वेबसाइट www.governmentcrackers.com। तो अब बात करते हैं Day 1 की PPDT के बारे में, जिसके लिए हम बात करना चाह रहे थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका होता है कि आप Day 1 जो है स्क्रीन इन हो जाते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट फेज है, इतना कंपटीशन होता है, इतना रश होता है पहले दिन 250-300 की रिपोर्टिंग में, और उसमें 20-25 का सेलेक्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। वो पहला दिन जब आप हासिल कर लेते हैं आप इतने ज़्यादा एनकरेज्ड फील करते हैं दैट उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, यू ऑटोमेटिकली परफॉर्म बेटर। सो देर इज नो गुड फीलिंग अदर देन दैट, ठीक है। तो गेटिंग स्क्रीन्ड इन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, और यहीं पे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स, even I would say merit out and recommended candidates, after 6 months when they visit to SSB centers they are screened out in the first shot। तो बहुत disheartening होता है। इसीलिए हमें Day 1 के लिए अपने आप को इतना शार्प, इतना ग्रिल करके जाना होता है कि वी आर प्रिपेयर्ड इवन फॉर द वर्स्ट सिनारियो, एंड ये एक पहचान होती है डिफेंस एस्पिरेंट्स की, ठीक है। तो Stage 1 में अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। Stage 1 की कन्फ्यूजन में बताऊँ, Stage 1 में आपके 2 एग्जाम्स होते हैं मेजरली, OIR OLQ टेस्ट। ये 2 अलग अलग एग्जाम में जो 17-17 मिनट के होंगे। इसके अलावा PPDT और GD, जो आपका PPDT एग्जाम है वो 5 मिनट का होगा और GD आपका 10 से 15 मिनट, यानी ये 4 एग्जाम्स अगर मैं अलग अलग बोलूँ ये आपका Day 1 में होगा। और पूरा SSB प्रोसेस आपका 5 दिन का होता है। अगर आप इस स्क्रीन इन स्टेज को, यानी Day 1 को, जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है उसी दिन ये 4 एग्जाम होंगे, अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो आप 4 दिन सेंटर में रहेंगे आराम से, अलोन, नो पेरेंट्स इंक्लूडेड। कई फ्रेशर्स को ये डाउट भी है। अलोन आप इस सेंटर में रहेंगे और आगे के अपने एग्जाम देंगे। और अगर आप इस रिजल्ट के टाइम पे स्क्रीन्ड आउट जिसे हम कहते हैं वो हो जाते हैं तो आप अपने घर वापस चले जाएंगे। आपको अलाउड नहीं है सिलेक्शन सेंटर में रहने के लिए। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अब आते हैं PPDT के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं ओवरऑल एक समराइज करने वाली हूँ। सो गाइज यू ऑल कैन चेक दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। तो ये आपकी PPDT शीट है। इसी तरह से आपको शीट प्रोवाइड होगी, तो आप इसमें घर में सैम्पल शीट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंट्रीज के स्टूडेंट्स जाते हैं, जा चुके हैं, कैंडिडेट्स हैव कम्ड ऑल्सो, ठीक है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, कुछ स्क्रीन आउट हो चुके हैं। तो जो स्क्रीन आउट हो चुके हैं दे रियलाइज दिस इम्पॉर्टेंस आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड आउट कि हाँ हमने उस टाइम पर थोड़ी और मेहनत कर ली होती, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लिया होता, या थोड़ा सा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस में बोलूँगी जनरेट हो जाता है जब आपका SSB कॉल लेटर शॉर्ट लिस्टिंग की आती है, तो वी फील कि यार अब तो SSB आएगी, अब तो हो ही जाएगा। तो ये वाली जो फीलिंग है यार, इसको आप अवॉइड करो। SSB कॉल लेटर आना डजेंट इम्प्लाई कि आप SSB के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। वो जो आपने 12th में मेहनत की होगी या ग्रेजुएशन में या एग्जाम क्लियर करने में जो मेहनत की होगी, ये उसके बिहाफ पे आपको मिला है, लेकिन आगे आपको SSB इसके बिहाफ पे नहीं मिलने वाला। उसके लिए अगेन आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने क्लास 12th में करी होगी या किसी रिटन एग्जामिनेशन को करने में क्लियर किया होगा, यानी अगेन 5-6 महीने की प्रैक्टिस, राइट। तो वो चीज आपको SSB में करना होता है। बट वंस वी रिसीव दिस कॉल लेटर, इट इज वेरी कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें लगता है यार SSB अब तो निकल ही जाएगा। तो हम जो नॉर्मल होता है, जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस हमें वेबसाइट्स पे या कहीं और से मिलते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। तो ये नहीं करना चाहिए, उसको भी आप उतना ही सीरियसली लें जितने बाकी एग्जाम्स को लिए। तो घर में इस तरह की अब आप PPDT शीट तैयार कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली चेक योर सेल्फ दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। और अगर इसके बाद आप प्रैक्टिस करके आप जज कर लेते हैं दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड, देन यू विल नो कि येस यू नीड प्रैक्टिस और नॉट। अगर की है तो कितने अच्छे लेवल की है, कितने अच्छे लेवल की नहीं है। तो इस तरह से शीट आप तैयार कर लें, बॉक्स बना लें। यहाँ पे आपको एक्शन में बताना होगा कि स्टोरी की थीम क्या है, और उसके बाद आपको स्टोरी लिखनी होगी। पिक्चर इस तरह से ब्लर पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी जिनका 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, और फिर 4.30 मिनट्स में आपको जो है ये स्टोरी लिखनी होगी, ठीक है। PPDT शीट इस तरह से आप अब प्रिपेयर कर लीजिए, रेडी रहिए, क्योंकि अभी इसके बाद मैं आपके सामने सैंपल पिक्चर प्रेजेंट करूंगी थ्रू विच यू कैन एक्चुअली टेस्ट कि किस तरह से स्टोरी जो है वो आप लिख सकते हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। और ये जो स्टोरी है, ये बिल्कुल पिक्चर जो है ये ऑलरेडी सिलेक्शन सेंटर में आ चुकी है, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टोरी होनी चाहिए वो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको नरेट करें तो वो आपके लिए इजी हो। मतलब उसमें फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट आप लिख रहे हो। जो 3 क्वेश्चन आपसे स्टोरी रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपको उन्हीं का आंसर करना है। वो 3 क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देन हीरो का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर ऐसा मिथ होता है कि बहुत लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्टोरी लिखनी चाहिए, या मेल को हीरो बनाना चाहिए, या फीमेल को हीरो बनाना चाहिए। यार गाइज, पॉजिटिव नेगेटिव स्टोरी की बात नहीं है। अगर आपको एनवायरनमेंट नेगेटिव लग रहा है, आप उस पर पॉजिटिव स्टोरी बना के आएंगे, देन आप कहीं से रट के आ रहे हैं, आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, राइट। तो साइकोलॉजिस्ट के लिए पकड़ना इट इज़ वेरी इजी कि आपने आप तो पहले से कहीं पढ़ के आए हैं, ट्रेन होके हैं, आपने अपना माइंड ही नहीं अप्लाई करा। क्योंकि क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, आप डिफेंस के लिए आ रहे हैं, आपको सिचुएशन देख के अपनी टैक्टिक्स को यूज करना होता है। एक ही जो फंडा है वो एक ही प्लान नहीं वर्कआउट करता हर जगह, ये हमें सोचना होता है। तो मैक्सिमम लोग ये गलती करके आते हैं। सबको ये पता होता है कि पॉजिटिव स्टोरी हमें लिख के आनी है, पॉजिटिव स्टोरी लिखनी है, नेगेटिव पिक्चर दिखा रहे हैं उस पर भी पॉजिटिव स्टोरी लिखानी है, और वो पूरा का पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है इस चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज, जो आप टाइटल स्टोरी का दे रहे हो उसका एप्रोप्रिएट, मतलब उसमें से क्रिएटिविटी निकल के आनी चाहिए। आप ये भी ना भूलें कि आप एक कंपटीशन में बैठे हैं। अगर आप जनरल सा टाइटल दे देंगे, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यू नो, सेविंग वाटर, तो आप ये देखिए बच्चों के लेवल के टॉपिक है। आई थिंक क्लास 5th या 6th के स्टूडेंट भी इन टॉपिक से बेटर सजेशंस आपको देंगे। तो आपको अपनी एंट्री फोकस करने की, आप कौन सी एंट्री से जा रहे हैं वो भी मैटर करता है। आपको अपनी एज, अपनी क्वालिफिकेशन भी फोकस करनी कि आप 12th के बाद जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, मास्टर्स के बाद जा रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से जा रहे हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जा रहे हैं। तो ये इन सबका भी जजमेंट होता है। इसके अलावा स्टोरी कंप्लीट करना बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। स्टोरी कंप्लीट करना यानी आपको एक टास्क मिला था और आपने उस टास्क को टाइमली कंप्लीट कर दिया। तो बहुत लोग सोचते हैं कि PPDT ही सब कुछ होता है, लेकिन PPDT के अलावा भी बहुत कुछ जज होता है। अगर आपने, आपको एक टास्क दिया गया, आपने उसको टाइमली कंप्लीट करा एक छोटे से टाइम के अंदर, दिस शोज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपका टाइम मैनेजमेंट। और बहुत लोग स्टोरी इनकम्प्लीट छोड़ के आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग एस्पेक्ट। आपको पता था कि आपकी SSB आने वाली है, आपको इतनी प्रैक्टिस चाहिए थी, फिर भी आपने प्रैक्टिस नहीं की, दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपके साथ कोई इशू है, इसलिए भी आप स्क्रीन आउट हो सकते हैं। उसके बाद आता है OIR टेस्ट। OIR टेस्ट को बहुत लोग हल्के में लेते हैं। मैंने इससे पहले भी कई सेशंस डाले, मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्लीज़ आप उसको लाइटली ना लें, ठीक है। उसके बाद नरेशन की बात आती है और पार्टिसिपेशन इन जीडी, दोनों में मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होता और नरेशन तो आपको इतना सुपर्ब करना होता है क्योंकि नरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी बोलते हैं, रीज़न भी जब आप 10 लोगों की बातें सुनते हैं उसके बाद अपनी बात अप्रोप्रिएट वे में याद रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी आपका माइंड बहुत शार्प है अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है। सो नरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद आ जाता है जो स्टोरीज बननी चाहिए, दैट शुड बी लॉजिकल एंड प्रॉपर। लॉजिकल एज एन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टोरी जो लिखते हैं वो बता देते हैं कि वी आर गोइंग टू सन, वी आर गोइंग टू मून, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो इस तरह की कोई स्टोरीज आप ना लिखाएं जो बहुत इलॉजिकल हो, इम्प्रॉपर हो, यानी फैंटेसी वर्ल्ड की स्टोरी ना लिखाएं। आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, डिफेंस में अपनी करियर अगर आप देख रहे हैं तो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी प्रेजेंट हो, नेचुरल प्रॉब्लम्स जो आती हों उनसे रिलेटेड आप स्टोरी बनाएं। उसके अलावा जो आपकी ड्रेसिंग हो, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय, इट शुड बी फॉर्मल, डिसेंट, वेरी सिंपल एंड वेरी सोबर। उसके अलावा इन नरेशन जब आप बोल रहे हो, इट शुड नॉट कम आउट लाइक कि आप रट के किसी चीज़ को बोल रहे हैं, आप एक स्टोरी रिसाइट कर रहे हैं या पोएम रिसाइट कर रहे हैं। इट शुड कम आउट लाइक लाइवली यू आर टेकिंग पार्टिसिपेशन, आप एक लेक्चर, आप एक स्टोरी नरेट कर रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन कोई बता रहे हो। तो इट शुड बी वेरी एक्टिव विच ओनली कम्स व्हेन यू स्पीक गुड। इसके अलावा जब आप स्टोरी बोलते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम करते क्या है कि वो जो सामने पैनल्स बैठे होते हैं, यानी जो जजेस होते हैं, असेसर्स, उनको देख के वो बात करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अगेन अ एस्पेक्ट। यानी आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था फॉलो करने के लिए, आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। तो आप देखिए पीपीडीटी के अलावा भी देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो वजह बनती हैं आपके बाहर निकलने के लिए। सो एसएसबी आपको हर छोटे बड़े चीज़ का एसएसबी में ध्यान देना होता है, ठीक है, वंस यू आर देयर इनसाइड द सिलेक्शन सेंटर। अब बात करते हैं स्टोरी में क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, तो आप पेन एंड पेपर लेके तैयार रहिए क्योंकि इसके बाद आपको एक पिक्चर देके यू कैन जज योर सेल्फ दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। तो स्टोरी में क्या होना चाहिए कि आप पिक्चर में देख क्या रहे हैं, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट आपका होना चाहिए। सेकेंड इज वॉट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यानी इस पिक्चर में करंटली क्या हो रहा है। एंड लास्ट इज वॉट इज आउटकम ऑफ द पिक्चर। तो लोगों को, हर कोई आपको ये बताता है कि पिक्चर लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसमें लिखना क्या है, क्या सिचुएशन होनी चाहिए। तो आपकी स्टोरी 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए कि किस सिचुएशन की वजह से ऐसा सीन आपके सामने आया, देन वॉट इज करंटली हैपनिंग इन द सिचुएशन, और इस सिचुएशन के बाद अब इसका आउटकम क्या होगा। तो ये आपको अपने पिक्चर्स में मेंशन करना होगा। नाउ रेडी फॉर प्रैक्टिस, अब मैं आपके सामने देने जा रही हूँ 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर एंड उसके बाद 4.5 मिनट्स फॉर योर राइटिंग। आफ्टर दिस पिक्चर अगर आप इसको टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं देन इट इज़ गुड फॉर यू, अगर नहीं कर पाते हैं देन यू नीड प्रैक्टिस। और देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कमिंग कि हम फ्रेंडशिप में लग जाते हैं, बॉन्ड में लग जाते हैं, रिपोर्टिंग में लग जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। गाइज यू कम ऑन, वी आर डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्या हम सिर्फ आर्मी में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज टू सीक आवर ट्रैवलिंग अलाउंस? वी नो वो सारी फॉर्मेलिटीज हैं, लेट देम रिमेन फॉर्मेलिटीज ओनली, दिस इज नॉट द प्राइम कंसर्न। जो हमारा प्राइम कंसर्न है, हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन जा रहा है, रिपोर्टिंग कितनी हो रही है, ऑल दीज आर सेकेंडरी, वी डू नॉट नीड टू फोकस ऑन दिस। हमारा फोकस क्या है, यू नो वॉट, दिस फीलिंग्स कम जब आप सिलेक्शन सेंटर में जाते हो और बाहर आते हो, देन यू रिग्रेट, बट वंस यू गेट स्क्रीन्ड इन, आप उन कैंडिडेट से पूछिए जो स्क्रीन इन हो जाते हैं, दे एक्चुअली फील लाइक येस दे हैव क्रॉस्ड अ स्टेज और वो अब ऑफिसर बनने के क्लोज हैं। दिस 5 days कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। इमेजिन ये 5 दिन बाद आप रिकमेंडेशन लेके मेडिकल्स करके आते हैं एंड यू विल ऑटोमेटिकली बिकम एन ऑफिसर आज के डेट में, ठीक है। इट इज सो 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 ग्रेट फीलिंग कि इसको वर्ड्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते। एट अ वेरी यंग एज आप आर्मी के ऑफिसर या एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हो, ठीक है। सो make focus on this particular thing कि आपको आपके 5 दिन कैसे निकालने हैं, आपको क्लियर कैसे करना है, rather than you know focusing on reporting कितनी हो रही है, कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, कितने स्क्रीन आउट हुए, कितने स्क्रीन इन हुए. ठीक है, this is nothing to have should bother with you. ठीक है, this is nothing that should bother to you. आपका फोकस आप होना चाहिए. जितना आप प्रिपेयर करके जाएंगे, आपका कंपटीशन आप है एंड nobody else. I don't know, maximum people realize this जब उनके हाथ से golden opportunity जो first attempt होता है वो चली जाती है, उसके बाद ये लोग realize करते हैं. अगर आप timely इस चीज़ को realize करेंगे then definitely you will get recommended, make it short. तो जिस तरह से जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ आप जो करते हैं, आप किसी और पे फोकस नहीं करते कि आपके फ्रेंड ने कितनी पढ़ाई की. आपके फ्रेंड अगर 3 चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं तो आप भी 3 चैप्टर छोड़ के जा, आप अपने ऊपर फोकस करते हैं ना. उसी तरह बिल्कुल सेम आपको एसएसबी में अप्लाई करना होता है. बट आफ्टर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर एसएसबी मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स गेट कॉन्फिडेंस. यही एक मेजर मिस्टेक है, जो कैंडिडेट्स इसको सुधार लेते हैं दे गेट सिलेक्टेड. ठीक है, सो आई होप दिस विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर यू. जो मेरा कॉन्वर्सेशन आपको कहने का मतलब था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा. अब मैं बात करती हूँ प्रैक्टिस पे. आई शेयर दिस बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के, दे हैव सक्सेसफुली गॉट स्क्रीन्ड इनटू देयर फर्स्ट अटेम्प्ट और अभी उनके कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लेट ज्वाइन करा था और उतनी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की है. And after getting screened out, they have shared their experiences and they regret this. So I further want to convey this message to you guys कि do not lose this golden opportunity क्योंकि अभी भी आपके पास time है. ठीक है, so ready for the practice. Here comes your first picture जहाँ पे आपको लिखना है. So 30 seconds के लिए मैं picture display करूँगी. ठीक है, so 1, 2, 3 start. Now write your story, 4 and last 1 minute. So candidates, this was all. अब आप चेक कर सकते हैं that where do you actually stand up, क्या आपने अपनी स्टोरी कंप्लीट की है, क्या आपने अपनी स्टोरी नहीं कंप्लीट की है. अगर now you can realize and test yourself कि अगर आपने कंप्लीट कर ली स्टोरी तो is the story up to the mark, और अगर नहीं तो you need practice. Alright, so ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आपके एसएसबीज़ के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए माई ओनली रिकमेंडेशन वुड बी सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. सो एसएसबी मटेरियल के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट टू www.governmentcrackers.com एंड जैसे मैंने बोला इट्स एक्सक्लूसिव ऑफर वेयर यू गेट एवरी कोर्स बिलो 1000. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन जय हिंद.